हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 CD। प्रूव दैट 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC² और यहां हमें एक फिगर दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है। इस ट्राइंगल में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बी सी साइड के ऊपर एट पॉइंट डी। और हमें गिवन क्या है, यहां लिख लेते हैं फटाफट। गिवन है हमें डी बी, गिवन है हमें डी बी इज इक्वल टू 3 CD। ये हमको गिवन है। और टू प्रूव हमारे पास है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC² ये हमें प्रूव करना है। चलो तो फटाफट देखते हैं, फिर वही टेक्निक अपनाएंगे। क्या क्या प्रूव करना है हमें, वहां से फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर हमें चाहिए, ए सी स्क्वायर हमें चाहिए और बी सी स्क्वायर हमें चाहिए। तो ए बी स्क्वायर हमें कहाँ है, ये है हमारे लिए ए बी स्क्वायर, दिस इज ए सी स्क्वायर। चलो पहले यही दोनों को हम पकड़ते हैं, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, इस राइट एंगल के लिए ए बी हो गया है हाइपोटन्यूज, और इस राइट एंगल के लिए हो गया है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ए सी हो गया है हाइपोटन्यूज। तो कौन से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ए डी बी और ए डी सी, अगर हमें ए सी स्क्वायर चाहिए और ए बी स्क्वायर चाहिए। चलो इसी बात को लिख लेते हैं जल्दी से। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड चलो पहले इसको देखते हैं ए डी बी, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हाइपोटन्यूज है, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ठीक है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन वन। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, हमें चाहिए है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हमें कहां मिलने वाला है, ट्राइंगल ए डी सी में। लिख लेते हैं इस बात को, इन ट्राइंगल ए डी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन टू। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को हम हटाएंगे तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के बीच में रिलेशन आने लगेगा। सो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, देखो यहां पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, इक्वेशन टू क्या कह रही है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको माइनस करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू किस तरफ, अब ये ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर तो रिमूव हो गया, जीरो हो गया है, यहां बचा है डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के बीच में रिलेशन आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन हमें ना डी बी चाहिए ना सी डी चाहिए, ये दोनों में से हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो इनको रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है हमको, यहां हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों हमें चाहिए थे, जो भी एक्टिविटी करनी है वो यहां करनी है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटाना है। सो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है, चलो देखते हैं क्या बनता है, डी बी प्लस सी डी और डी बी माइनस सी डी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म हमारी बनती है, ये फॉर्मूला हम सबको याद है, ठीक है। तो मैं अब यहां थोड़ा सा क्लीन करूंगा, आप लोगों का कोई डाउट है तो वीडियो में पीछे जाके देखेंगे।
तो हमारे पास लास्ट में क्वेश्चन बन के आई थी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी प्लस सी डी एंड डी बी माइनस सी डी, ये क्वेश्चन हमारे पास लास्ट बन के आई थी। तो चलो यहां देखते हैं डी बी प्लस सी डी, यहां देखो डी बी एंड प्लस सी डी, डी बी प्लस सी टी अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंथ बन के आएगी सी टू बी, तो डी बी प्लस सी डी क्या बन गया सी बी। यहां देखो डी बी यहां से यहां तक है और सी डी यहां से यहां तक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी सी बी और वी कैन से बी सी, यहां हम इसको सी बी और बी सी तो एक ही बात है, यहां हम कह सकते हैं बी सी। यहां हमारे पास क्या बचा है डी बी माइनस सी डी एज इट इज रह गया है। अब यहां पे हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी, डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी ये हमको गिवन है, डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी, तो डी बी की जगह हम रख देंगे थ्री सी डी, थ्री सी डी माइनस सी डी, डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी। यहां रीजन दिख दीजिए क्योंकि डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी। तो इक्वेशन क्या बन गई बी सी इंटू टू सी डी, बी सी इंटू टू सी डी। सो अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमें चाहिए था ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बीच में रिलेशन, तो हमारे पास ए बी स्क्वायर है ए सी स्क्वायर है लेकिन बी सी का स्क्वायर अभी नहीं है, यहां पर बी सी तो है लेकिन अब हमारे पास सोल्यूशन क्या चाहिए इस सी डी को बी सी में कन्वर्ट करना है, इस सी डी को बी सी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है कैसे बनेगा नाउ लेट अस सी, यहां दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू 4 टाइम्स सी डी। ये हमने क्या किया है इस इक्वेशन को यहां जो इक्वेशन आई थी इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों किया है वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया यहां बन गया 4 सी डी, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 सी डी प्लस सी डी, 3 सी डी प्लस सी डी। ठीक है ऐसा क्यों लिखा 4 सी डी को 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 सी डी, दैट मीन्स बी सी 3 सी डी, नाउ 3 सी डी इज इक्वल टू डी बी, ये हमें फिर से गिवन है, 3 सी डी की जगह हमने लिख दिया डी बी प्लस सी डी, क्योंकि डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी है इसलिए। नाउ देखो दिस डी बी प्लस सी डी अगेन बिकम इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स बी सी इंटू बी सी। ओके तो इसको सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, यहां करते हैं हम 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और हमें जो जिस फॉर्म में चाहिए प्रूव करने के लिए वैसा लिख देंगे, ए सी स्क्वायर को इस तरफ प्लेस कर देंगे तो इट विल बिकम 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।